Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर गूगल एड का जो हमारा सीरीज है, इसको एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों को कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो करी जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसका सेटअप करना होता है। ये सारी डिटेल्स जो है मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए, भी आगे जो है बताने से पहले सारी चीजों को प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा मुझे। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं चल के जो है देख लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग का, ये काम कैसे करता है। ओके गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एज यू कैन सी, यहां पे मैंने एक मेरे अकाउंट के अंदर जो है लॉग इन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो किस तरह से जो है इंपॉर्टेंट है, ये तो बाद में बात करेंगे कि क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बाद में करेंगे। लेकिन कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है, एक सिंपल भाषा में बात करें तो ये आपका जितना भी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, जो भी आप गूगल पे ऐड चला रहे हो, उस ऐड के जरिए जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो वहां से जो है वो कन्वर्जन रेशियो को ट्रैक करता है कि आपका जो कितना डेटा ऐसा है, कितने विजिटर ऐसे हैं जो आपके एक्चुअली जो टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग। डिटेल में हम फिर आगे डिटेल में बात करेंगे। अब इसको सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक लैंडिंग पेज है। लेट से मैं यहाँ पे एक लैंडिंग पेज की बात कर लेता हूँ। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि tjmacad.com। तो यहाँ पर जो है मेरे पास में एक लैंडिंग पेज मैंने यहाँ बना के रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी आए और आने के बाद यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी डालने के बाद जो है मैं ट्रैक करूँ कि उसने वाकई ये फुल किया है कि नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक डेफिनेटली यहाँ पे जब हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ईमेल आईडी और नाम डाल के एनरोल पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक नए पेज पे जाएगा जो कि है थैंक यू पेज। तो हम क्या करेंगे, थैंक यू पेज पे जो है कन्वर्जन जो है वो लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल ऐड के अंदर जाना है, यहाँ पे टूल एंड सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे कन्वर्जन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे कन्वर्जन पे आएंगे तो यहां पर यू कैन सी आपके पास में लिखा हुआ न्यू कन्वर्जन। आप न्यू कन्वर्जन पे जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास में चार ऑप्शंस आते हैं, आपकी वेबसाइट पे आप जो कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी एप्लीकेशन पे या फोन कॉल पे, या फिर आपका जो है जो गूगल के एनालिटिक है वहां से डेटा को जो है आप इंपोर्ट करके जो है उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं कन्वर्जन का। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, बट जनरली हम लोग जो है ये तीन सबसे ज़्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीन में से भी कॉल वाला जो है बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम वेबसाइट और एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं भी आपको यहाँ पे वेबसाइट का बताने वाला हूँ, सेम वे आप एप्लीकेशन और कॉल के लिए भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमने करा तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है आपके पास में गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। आपको यहाँ पे सेलेक्ट दी कैटेगरी, आपको क्या करवाना चाहते हैं, आपका जो भी कन्वर्जन होगा वो परचेस होगा, ऐड टू बास्केट है, यहाँ पे बींग चेकआउट है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, या सबमिट लीड फॉर्म है, या जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे देख लेना है, या सिर्फ पेज व्यू है, जो भी आपका यहाँ पे जो है एक्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म कर लेता हूँ। ये मैंने सबमिट लीड फॉर्म को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मुझे उसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ TGM सबमिट लीड, और यहां पे मैं कर देता हूं इसको से फॉर एग्जांपल टेस्ट, बिकॉज मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूं, राइट। अब यहां पे नीचे आती है तीन चीजें, एक आता है आपका वैल्यू, वैल्यू में मतलब आपके पास में यूज दी सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। जब भी आपका कोई कन्वर्जन हो तो आपका जो है यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, तो आप वो यहां पर डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप डू नॉट यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। तो जनरली जब भी हम कोई आपकी लीड फॉर्म होते हैं जहां पे हम सिर्फ कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम सिर्फ कुछ एक्शन करवा रहे हैं, इन दैट केस हम यहां पे डू नॉट यूज अ वैल्यू करते हैं। बट सम टाइम हम लोग जो है यहां पे इस वैल्यूज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। तो हम यहां पे सेम वैल्यू या जो भी आपको करना है आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एवरी और वन। एवरी क्या है, यहां पे जितनी भी कन्वर्जन होंगे, मान लो एक पर्सन ने दो बार करा, तो हर उसकी कन्वर्जन को ये क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि पर यूजर जो है एक ही कन्वर्जन करे, तो आप यहां पे वन को सेलेक्ट कर लीजिए।
ये जो नीचे वाला ये 30 days, 3 days और 1, ये वाला जो है बिल्कुल 3 है, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे 3 options आते हैं, आप इसको जो है इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, आप खुद इसको कर सकते हैं, या फिर आपका कोई डेवलपर है, आप खुद नहीं करते, आपको नहीं पता है वेबसाइट्स पे कैसे इसका काम होता है, तो आप यहाँ पे जो टैग्स हैं अपने जो भी डेवलपर है उसको मेल कर सकते हैं, या फिर जो गूगल टैग मैनेजर होता है आप उसका इस्तेमाल करके भी इसको ट्रैकिंग का पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टॉल दी टैग योरसेल्फ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है दो चीज़ें। अगर आपके पास में 3 options हैं यहाँ पे, द ग्लोबल साइट टैग इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन ऑल दी HTML, है ना, अगर आपके पास में जो ये ट्रैकिंग कोड है जो सभी जगह पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर पहले से आपके पास में इंस्टॉल्ड है तो ये का आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यू कैन सी यहाँ पर अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये एक आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, ये पहले ये डला हुआ है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप ये पहला वाला करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो गया, राइट। और यहाँ पे जो है हम नया टाइम कर रहे तो ये, सेकेंड टाइम कर रहे तो हम यही करेंगे, बिकॉज पहले वाला जो हर पेज पे आपके पास में एक ट्रैकिंग कोड होना चाहिए तो वो आपको यहाँ से कॉपी करना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये जो डिटेल है इसको आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके मैं वर्डप्रेस पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास में यहाँ पर जो है वर्डप्रेस का पैनल है, तो यहाँ पर आपको एक बेसिकली यहाँ पे आपको एक प्लगइन जो है इंस्टॉल करना, विच इज कॉल्ड हेडर फुटर, राइट। हेडर फुटर कस्टमाइजेशन जो है ये आप कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग कोड्स पहले से डले हुए हैं, मैं साइट वाइड डालना चाहता हूँ, वो किसके हैं, गूगल ऐड के हैं या आपके एनालिटिकल के हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड स्निपेट, न्यू स्निपेट पे क्लिक करें। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी आपके पास में ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने, यू कैन सी आपको यहाँ पे उसका नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है तो आपको यहाँ पे नाम देना है। जैसे मैंने दे के रखे हैं, अगर गूगल का कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप यहाँ पे टास्क लिख लें। फिर यहाँ पे स्निपेट टाइप HTML, तो हमने यहाँ पे जब क्रिएट करा था यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ HTML, तो HTML पे ले लें। साइट वाइड मतलब पूरी वेबसाइट पे करना है क्या, तो आप पूरी वेबसाइट पे, यहाँ पे आप जो है उन पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर आप ये ट्रैकिंग नहीं करना चाहते। और उसके बाद में यहाँ पे जो कुछ आपके कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन जनरली हेडर रखें आप लोग, राइट। शो ऑन ऑल डिवाइसेस, ठीक है। स्टेटस एक्टिव, और यहाँ पर आपको वो जो कोड है वो आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है और नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पहली बार पूरे साइट वाइड को ट्रैक करने के लिए। दूसरा फिर होता है आपका यहाँ पे ऑलरेडी अगर इंस्टॉल्ड, एक बार आपने ये बार बार करने की, ये वाला ऑप्शन जो है बार बार करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब भी आपको रिपीट कन्वर्जन्स करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है आपको पेज लोड पे या क्लिक पे, तो हम पेज लोड की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे प्रीमियम कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो स्क्रीन के ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पे आप जो है अपना नाम और जो है गूगल एड कोर्स करके जो है आप लिख के भेजेंगे तो डेफिनेटली आपको हमारे पूरा डिटेल दे दिया जाएगा, आप पूरा डिटेल में इसको प्रीमियम के अंदर सीख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे पेज लोड पे करना, तो मैं ये वाला जो ट्रैकिंग कोड है ये मुझे यहाँ से जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करके वापस हम उसी पे वेबसाइट पे इसी लोकेशन पे आते हैं। अब मैं सिर्फ ट्रैकिंग, तो पहले आपको ट्रैकिंग का नाम डाल देना है। अभी HTML तो HTML है, साइट वाइड नहीं, अब हम किसी स्पेसिफिक पेज को ही टास्क करना जो है उसके ऊपर में टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं कि जब यूजर उस फॉर्म पे पेज पहुंच जाए या उस पेज पे पहुंच जाए तो हमारा जो कन्वर्जन है वो डन हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक पोस्ट जो भी आपका है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज का आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा पेज है आपका, जो भी होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद वापस यही सारा टास्क करना है, और ये जो है मैंने डाला था इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सिर्फ जो वही कोड डालना है जो ट्रैकिंग के लिए दिया गया है और इसको सेव कर देना है। इसी तरह से जो है आप बहुत ही सिंपली वर्डप्रेस के ऊपर में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम वे आप अपने अगर आपका HTML में कर रहे हो या फिर आपको जो है PHP वगैरह या किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कोडिंग के जरिए कर रहे हो तो वहां पर भी आपको ये सेम टास्क जो है वो परफॉर्म करना होता है। तो आप जो है अपने वेब डेवलपर्स को ये कर सकते हैं, जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको डन पे क्लिक कर देना है।
तो ये आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। तो यहां पे जो भी कन्वर्जन ट्रैकिंग होंगे यू कैन सी यहां पे अभी हमने जो भी करा है तो ये आपका यहां पर आ गया, अभी अनवेरीफाइड है, राइट। आप इसको अनवेरीफाइड इसलिए क्योंकि अभी तक कोई भी जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग हुआ नहीं है और हमने इसको डाला भी नहीं है। जब डाल देंगे तो ट्रैकिंग होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास में अपडेट होके आ जाएगा इस तरह से, जिस तरह से ये आ रहा है, राइट। ये यू कैन सी यहाँ पे वैल्यूज आने लग जाएंगी। तो जब जैसे आपका ये ऐड चलता रहेगा वैसे वैसे ये कन्वर्जन जो है आपके इंक्रीज होते रहेंगे और गूगल को और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हैं जो आपके इस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आपके लैंडिंग पेज पे आने के बाद वो एक्चुअली कन्वर्जन कर पा रहे हैं। तो गूगल आपकी ऐड को और अच्छे से उन्हीं लोगों को जो है टारगेट करने के आपको सजेशंस देगा। खैर हम लोग इसको ऑप्टिमाइजेशन में जो है बहुत डिटेल में और चीज़ों को कवर करेंगे। सो गाइस आई होप कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट्स पे इंस्टॉल करना है ये पूरा समझ में आया होगा, किस तरह से आपको यहाँ से कोड क्रिएट करने हैं वो भी समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये पूरी सीरीज जो गूगल ऐड की चल रही है अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिर मिलता हूँ एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।